हरिओम तत्सत। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य विशाल शर्मा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानी पे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं तुला राशि वालों के लिए 2023 ये वार्षिक राशिफल कैसा कैसा जाने वाला है, क्या नई चुनौती है, क्या नए सपने, क्या नए आशाएं, क्या नई चुनौतियां होंगी, उन सबके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तुला राशि वालों के लिए मैं ये बताने जा रहा हूं विस्तार पूर्वक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ऐसे ज्योतिष के नए नए वीडियो में आपके लिए लेकर उपस्थित हो रहा हूँ इसी चैनल पर ज्योतिष ज्ञानी पे। राशिफल, सप्ताही राशिफल, मासिक राशिफल और महाभारत के रोचक तथ्य, नए नए किस्से और ज्योतिष के कई उपाय लेकर इसी चैनल पर उपस्थित रहूं, तो इसलिए प्लीज इस ज्योतिष ज्ञानी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। बात करते हैं तुला राशि वाले कैसे होते हैं, उनका स्वभाव कैसे होता है, तो राशि क्या होती है। देखिए तुला राशि राशि चक्र की 7वें नंबर की राशि होती है। तुला राशि को तराजू कहा जाता है, वहीं पर अंग्रेजी में से लिब्रा कहा जाता है। ये 180 से 210 अंश की होती है। चित्रा नक्षत्र के अंतिम दो चरण, स्वाति नक्षत्र के चार चरण तथा विशाखा नक्षत्र के प्रथम तीन चरण मिलाकर तुला राशि का निर्माण होता है। इस राशि का स्वामी जो होता है वो शुक्रदेव होते हैं। इस राशि की प्रवृत्ति जो आकृति होती है वो तराजू के समान होती है, पुरुष के जैसी दिखती है। इसका जो स्वभाव होता है वो चर होता है। तुला राशि की प्रवृत्ति क्रूर होती है। इस राशि का तत्व वायु होता है। ये राशि गुड़ी और राजसी और जाति शूद्र होता है इसका। यह दिन में बलि होती है, वहीं पश्चिम दिशा की स्वामी कहलाती है। राशि त्रिधातु प्रवृत्ति की होती है। शरीर में वास्तविक और चरम पर होने वाले सभी पकड़ा इस राशि से ही देखी जाती है। ये एक सजिल राशि कहलाती है। इस राशि के जातक विचारशील, पढ़ने के सबसे ज्यादा रुचि प्रवृत्ति की होते हैं, जिज्ञासु, राजनीति में सबसे ज्यादा कुशल होते हैं तथा अपने कार्य को सिद्ध करने वाले दक्ष होते हैं। ये आकरण क्रोध में आ जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा इनसे बच के रहना चाहिए। मधुर भाषी भी होते हैं, दयालु होते हैं, चंचल नेत्र वाले होते हैं, व्यापार में चतुर होते हैं, देवी देवताओं को पूजने वाले होते हैं, परदेशी में वासी करने वाले होते हैं, मित्रों के सहयोग से आगे बढ़ पाते हैं और मित्र प्रिय होते हैं। इस राशि वाले लोगों को सूर्य बाधक ग्रह होता है। सिंह राशि इसकी बाधक ग्रह होती है। शनि इसके लिए सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माना जाता है। इनके जो भी मित्र होते हैं वो हाईफाई मित्र होते हैं। ये कभी भी लो क्वालिटी में नहीं बैठते हैं, हमेशा उच्च स्तर में बैठेंगे, हाईफाई रहेंगे, हमेशा साफ सुथरे साज सज्जा के साथ रहेंगे। तुला राशि वालों की ये सबसे बड़ी पहचान है। वहीं पे बात करते हैं इसका वर्ष के प्रारंभ में इनके गृह गोचर की क्या स्थिति बन रही है। देखिए वर्ष के प्रारंभ में गुरु मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। वहीं पर 20 अप्रैल 2023 से मेष राशि में गोचर करेंगे। 16 सितंबर 2023 से गुरु मेष राशि में वक्री हो जाएंगे तथा 23 दिसंबर से वो मार्गी हो जाएंगे। इस प्रकार शनि के प्रभाव को मकर राशि में रहने वाले हैं। वहीं पर कुंभ राशि में शनि वक्री होने वाले हैं। 24 अक्टूबर से शनि कुंभ राशि में मार्गी हो जाएंगे। राहु वर्ष के प्रारंभ में मेष राशि में ही रहने वाले हैं। दिनांक 28 अक्टूबर 2023 को राहु वक्री चाल चलते हुए मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे तथा पूरे वर्ष मीन राशि में ही रहने वाले हैं। अब बात करते हैं, देखिए सिंह सूर्य मंगल गुरु, सूर्य मंगल बुध शुक्र, ये जो राशियां रहती है ये ग्रह गोचर इनका हर महीने बदलता रहता है। हर 15-20 दिन 18 दिन में इनका ग्रह गोचर बदलता रहता है। चंद्रमा 2.25 दिन में बदलता है, इसलिए इनके बारे में नहीं बताया गया है। इनके बारे में साप्ताहिक राशिफल और मंथली राशिफल में ही बताया जाता है। अब बात करते हैं जो भी तुला राशि वालों के लिए इसके में इनके लिए सबसे ज़्यादा फरवरी 2023 तक का समय सबसे ज़्यादा उत्तम साबित होने वाला है। ये अवधि में कोई भी इलेक्शन अगर आप कर रहे हैं, अगर राजनीति में है, इलेक्शन का समय है, तो सबसे अच्छा आपका विजय ही स्तंभ साबित कर पाएंगे। इस समय आपके लिए फरवरी 2023 सबसे ज़्यादा उत्तम समय आपका रहने वाला है। फरवरी 2023 के बाद प्रतिष्ठा में थोड़ी कमी ज़रूर आएगी, पर ये चिंता ना करें कि आप जो भी आपने कार्य किया उसमें आप विफल हो जाएंगे, विरोध होने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जून से अक्टूबर के महीने में आपको बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा धन लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं कि तुला राशि वालों के लिए इस समय पूरे साल धन की स्थिति कैसी बनने जा रही है, धन कैसे आय स्रोत की क्या स्थिति रहेगी, उसके बारे में जान लेते हैं। मई से सितंबर तक तुला राशि वालों के लिए सबसे ज़्यादा लगातार धन कमाने की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। धन मिलता ही रहेगा आपको, धन की कोई कमी नहीं होगी, आपके लॉकर में पैसा कम नहीं होगा। अप्रैल तक उनके खर्च थोड़े से बढ़ सकते हैं, उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। खर्च में वृद्धि होगी, थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस समय अगर आप
सरकारी कर्मचारी है तो ऐसे में कार्य आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे और सरकारी पक्ष से आपको पैसा भी अच्छा मिलेगा, इसमें धन के आने की संभावना अल्प हो जाएगी, अनावश्य हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा धन इस समय कमा पाएंगे। फरवरी के महीने से गलत रास्तों से भी अल्प धन के आने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। अगस्त और सितंबर के महीने में आपको सबसे बड़ा धन लाभ, कोई बड़ा कार्य, कोई बड़ा टेंडर आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं करियर की, करियर आपका कैसा रहने वाला है, करियर क्षेत्र में पारिवारिक जीवन और करियर के बारे में पहले बात करते हैं। देखिए करियर जो आपका रहने वाला है जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच आपका करियर में स्थिर बना हुआ रहेगा, अर्थात आप जैसे स्थान पर हैं वैसे ही रहेंगे, कोई स्थान परिवर्तन का योग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी कार्य में कर्मचारी है, कार्यालय में कोई कर्मचारी है सरकारी पक्ष के, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा ये। तो अप्रैल के बाद आपको थोड़ा सा बदलाव जरूर हो सकता है, आपकी सीट बदल सकती है, इधर से लेके उधर सीट बदल जाए, कोई बड़ा स्थान परिवर्तन नहीं होगा, छोटा मोटा चेंज होगा, यहाँ से लेके जैसे ऑफिस ही आपका चेंज हो जाए, छोटे से स्थान पे है अरेरा कॉलोनी में है तो वो 10 नंबर पे चले जाएगा बस इतना सा, 10 किलोमीटर की दूरी इतना सा चेंज होगा, इससे बड़े कोई बड़ा चेंज नहीं दिख रहा है। इस समय थोड़ा सा आपको सावधानी भी ये रखनी है कि ये आपके जो बड़े अधिकारी हैं उनसे बात व्यवहार की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता। अगर आप प्रयास करेंगे तो वो लोग भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, आपको थोड़ा सा उनके सामने मजबूत बन के रहना हुआ है। अप्रैल के बाद आपकी पूर्ण रूप से पदोन्नति बनती हुई दिखाई दे रही है, कोई बड़ा पद इस समय प्राप्त कर पाएंगे। भाग्य आपका कैसा चलने वाला है इस समय वो जान लेते हैं कि आपकी पूरे साल भाग्य की स्थिति कैसी बनती हुई दिखाई दे रही है। इस वर्ष आपका भाग्य आपका साथ पूर्ण रूप से देता हुआ दिखाई दे रहा है, जून और जुलाई के महीने में भाग्य आपका पूर्ण उन्नति के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको अपने परिश्रम पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपका जो भी परिश्रम है ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, बिना मेहनत के इस समय अधिक धन लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। अप्रैल के महीने के बाद आपको कोई बड़ा कार्य आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा आपको जनवरी से अप्रैल तक आपको थोड़ा सा परिश्रम अधिक करना पड़ सकता है, पर कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है, आप थोड़ा सा धक्का लगाएंगे उतने में ही आपका गाड़ी चल पड़ेगी, आपके लिए अधिक धन की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। तो इसलिए भाग्य में आपका पूर्णतः रूप से आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जीवन की बात कर लेते हैं, पारिवारिक जीवन कैसा रहने वाला है आपके, आपका और आपका जीवन साथी के साथ संबंध पूरे वर्ष आपका सबसे अच्छा रहेगा, वहीं पर प्रथम और मध्य में आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ सकता है, स्वास्थ्य में थोड़ी सी चिंता बनी रह सकती है, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान दे रहे हैं प्रथम और द्वितीय सप्ताह में आपको थोड़ी सी ध्यान देने की आवश्यकता है जनवरी के, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता। भाई बहनों के साथ आपके अप्रैल में मधुर संबंध बनते हुए दिखाई दे रहे, भाई बहनों से कोई बड़ा लाभ आपको प्राप्त होता हुआ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, आप जितना चाहते हैं उतना आपको भाई बहनों से पूरा सपोर्ट मिलेगा, आपकी संतान विशेषकर आपकी पुत्री पूरे वर्ष आपके साथ रहेगी, उनके माध्यम से कोई बड़ा लाभ बनता हुआ समय दिखाई दे रहा है, उनके माध्यम से कोई आपको इंसान मिलेगा, जैसे आपके बड़े कार्य बनते हुए दिखाई देंगे, व्यापारी क्षेत्र में कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा कार्य इससे हो सकता है, और आपको माता पिता का पूर्ण सहयोग इस समय आपके ऊपर बना हुआ रहेगा, उसका उनका स्नेह आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। संतान के समय उसके उन्नति बनते हुए योग भी दिखाई दे रहे हैं, अगर संतान कोई कार्य क्षेत्र में कोई नया कार्य करना चाहती है या कोई भी एग्जाम दे रही है या कोई भी परीक्षा दे रही है तो बहुत ही अच्छा समय ये उनके लिए है। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं, इस समय आपका स्वास्थ्य कैसे रहने वाला है, आपका जो जीवन साथी का जो स्वास्थ्य रहने वाला है उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, गले और कमर में थोड़ी सी पीड़ा हो सकती है, उससे ज़्यादा कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। व्यापार की बात कर लेते हैं, आपका व्यापारिक जीवन कैसा रहने वाला है, पूरे वर्ष आपका व्यापार में कैसा उतार चढ़ाव आने वाला है, अक्टूबर के उपरांत आपका व्यापार में उन्नति के समय बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जनवरी से लेकर अप्रैल तक व्यापार कुछ थोड़ा सा चिंताकारक रह सकता है, पर कोई बड़ी अधिक चिंता की बात नहीं। अगर पार्टनर के साथ है तो पार्टनर से थोड़ा सा आपको दूरी बनाए रखना होगा, क्योंकि पार्टनर से बाद बाद की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि राहु मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, इसलिए आपकी थोड़ी सी विवाद की स्थिति बनती हुई दिखाई दे, थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता। बाकी समय में व्यवहार आपके लिए पूर्णतः रूप से कारोबार आपका सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप वाहन कोई वाहन का लोहे का व्यवहार करते हैं या तो उसमें आपको फरवरी के बाद बहुत ही बड़ा आपको बढ़ोतरी बनती हुई दिखाई दे रही है, कोई बड़ा फायदा बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर से, आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की सतर्कता बरतनी है और कुछ नहीं है। पार्टनरशिप में काम करते हैं तो या तो पार्टनरशिप हटा दे या तो पार्टनरशिप में थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की पार्टनर की जांच करके ही आपको रखना चाहिए, क्योंकि पार्टनर से इस समय दिक्कत परेशानी आपको हो सकती है। वैवाहिक लोगों की बात कर लेते हैं, जो अविवाहित लोग हैं उनका जीवन कैसा जाने वाला है पूरे साल में देखिए, फरवरी से लेकर अप्रैल से लेकर सितंबर से लेकर ये सारे ही समय आपके लिए अविवाहित लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव लाने का समय है। विवाह के प्रस्ताव आएंगे, आप कह रहे होंगे कि विवाह के प्रस्ताव तो कई बार आए पर संबंध नहीं जुड़ पाए, पर ये समय आपके विवाह के प्रस्ताव का संबंध जुड़ने का सहयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपकी दशाओं में भी कोई अच्छा सा वही समय चल रहा होगा अंतर्दशा विपरीत दशा में, तो आपका विवाह भी इन्हीं पीरियड में हो जाएगा, अप्रैल सितंबर फरवरी में आपका विवाह भी हो जाएगा, पर इस समय आपके विवाह के संबंध अगर अवश्य रूप से जुड़ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं मकान वाहन क्या योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं पूरे साल में, देखिए वर्ष 2023 में आपके लिए
कई बार मकान के योग तो बनेंगे पर आप उसे खरीद नहीं पाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि मकान इस पूरे राशिफल में ग्रह गोचर अनुसार मकान का कोई अच्छा बड़ा योग बनता हुआ नहीं दिखा दे रहा है, पर नवंबर के बाद एक योग छोटा सा आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उस बीच में अगर मकान का योग बनता है आपके लिए तो बहुत ही अच्छा उत्तम है। देखिए ये जो राशिफल होता है ये ग्रह गोचर अनुसार होता है। अब इसमें देखिए आपकी कुंडली में अंतर दशा में आपकी दशाएं क्या चल रही है उसको भी देखा जाता है। तो अगर आपकी दशाओं में शुक्र की दशा कोई अच्छे मकान के योग की स्थिति बन रही है, मकान की दशा चल रही है, तो आपका मकान पूर्ण रूप से बनेगा। ये नहीं है कि मकान नहीं बनेगा, आप ये लोग कहने लग जाएंगे कि ये मकान नहीं बना हमारा और मकान बन गया हमारा, पर आपने तो बताया था मकान नहीं बना है। क्योंकि कह रहे थे आपकी दशाओं में भी देखना पड़ता है, लग्न कुंडली, चक्र, राशि कुंडली, ग्रह गोचर, सारी चीजों को देख के ही बताया जाता है। तो उस हिसाब से आपका इसलिए नवंबर के बाद भी मकान का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है और फरवरी के बाद कोई बड़ा वाहन खरीदने का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। संतुष्टिपूर्ण वाहन रहेगा, ये नहीं कि छोटा वाहन खरीद लीजिए, अच्छा ही बड़ा वाहन खरीदेंगे, बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई दे रही है। वार्षिक उपाय की बात कर लेते हैं। शिव जी को इस समय अर्घ चढ़ाने की जरूरत है, शिव जी को जल भी चढ़ाना है, दूध भी चढ़ाना है और सूर्य देव को भी अर्घ चढ़ाना, मतलब जल चढ़ाना है शिव जी को हर सोमवार के दिन। आपको महीने के चार सोमवार करें एक बार, आपको देखिए खुद इसमें अंतर दिखेगा। शिव जी को रुद्राभिषेक करवाए, बहुत ही आपको अच्छे ज्ञानी ब्राह्मण से आपको रुद्राभिषेक करवाना है, चार सोमवार करवा के देखिए बिलपत्री द्वारा, बहुत ही अच्छा आपको मन में जो अशांति का माहौल था वो पूर्ण रूप से आपको समाप्त होता दिखाई देगा। धन की स्थिति जो रुकी रही थी, रुका हुआ पैसा भी आपको प्राप्त होगा, रुके हुए धन भी आपको प्राप्त होगा, काल क्षेत्र की जितनी परेशानी है पूर्ण रूप से समाप्त होती हुई दिखाई देगी। तो योगा आपको अवश्य करना और ब्रह्म मुहूर्त के सूर्यदेव को अर्घ जल अवश्य चढ़ाना है। ये तो मैंने आपको पूरा तुला राशि वालों के लिए 2022 का वार्षिक राशि फल बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और ये सारी चीजें अगर आपके जीवन में घटित होती तो मुझे कमेंट करके अवश्य रूप से बताइएगा। धन्यवाद।